देश आजाद होने के बाद ये महसूस किया गया कि आजादी से पहले जो भी सर्वे सेटलमेंट किया गया और पट्टा खटिया खतियान दिया गया मुख्य रूप से उस पर अंग्रेजों के द्वारा उसका एजेंट के द्वारा जिम्मेदारी दिया गया था और उन लोग के माध्यम से उसका देखरेख के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया। कुछ चंद लोगों के हाथ में ही जमीन या जमींदार के हाथ में या राजा के हाथ में या कुछ तथाकथित एजेंटों के हाथ में चला गया था, इसलिए आजादी के बाद में रीसेटलमेंट किया गया, सर्वे का रीसेटलमेंट सर्वे किया गया 1958 में रीसेटलमेंट का काम को प्रारंभ किया गया और 1964-65 में इसको फाइनल किया गया, ताकि जो वंचित भूमिहीन है, जो लोग पट्टा नहीं दिया गया था, जो लोग अंग्रेजों के समय में जमींदार के समय नौकरी करता था, राजाओं के समय में खेतों में काम करता था, वो लोग भूमिहीन था, कोई पट्टेधारी नहीं था, वैसे लोगों को अधिकार देने के लिए रीसेटलमेंट के माध्यम से खट्टा खतियान देने के लिए सर्वे चलाया गया था 58 में। लेकिन ये 1932 का केवल आधार बनाने से जो लोग को 1964 में 65 में जिसको खतियान दिया गया आजादी के बाद में वो लोग वंचित हो जाएगा, ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लाख लोग हैं झारखंड के अंदर में, खासकर कोल्हान के वासियों को इससे नुकसान होगा। नुकसान कि वे लोग स्थानीय परिभाषित नहीं होंगे तो उससे स्थानीय को मिलने वाला नौकरी में भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा और सरकारी नौकरी में भी उसको नहीं मिल पाएगा, स्टाइपेंड जो स्टूडेंट को मिलता है उसमें भी नहीं मिल पाएगा, नियोजन नीति आने वाला समय में जो भी नियुक्ति होगा उस पर उसको लाभ उससे वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि केवल 1932 ही आधार नहीं होना चाहिए और जो कोल्हान में जो सर्वे हुआ है 64-65 का उसको भी शामिल किया जाए, ये हमारा मांग है। अगर हेमंत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पूरा कोल्हान जलेगा, आंदोलित होगा और हम जन आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे और सड़क पर इसका आंदोलन हम चालू कर देंगे। तो आंदोलन का आपका क्या रूपरेखा क्या होगा, आप जलने की जलाने की बात कर रहे हैं? बस जन जागरण, इस प्रस्ताव जो लाया गया स्थानीय नेता का, जो गलत ढंग से लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है, इसका विरोध में हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे उसको सच्चाई क्या है। सरकार जल्दबाजी में क्यों है, क्या वजह? अब तो वही लोग बता सकते हैं क्यों है। आप सहयोगी दल है, क्या मिलकर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? नहीं, इस संबंध में हमने अपने पार्टी फोरम में रखा है इस बात को कि जो स्थानीयता का पद आधार रखा गया है 1932 का खतियान, केवल यही नहीं होना चाहिए, उनको कोल्हान के क्षेत्र में जो भी सर्वे सेटलमेंट लास्ट किया गया है उसको भी उसको समाहित किया जाए, ये हमने रख चुके हैं। और जहां तक हमारी जानकारी है कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले तक ना ही इसको स्टारिंग कमेटी में लाया गया है, ना ही समन्वय समिति में लाया गया है, ना ही किसी भी मंत्रिमंडल समिति के या से मंत्री या पार्टी फोरम में महागठबंधन के में विचार के लिए नहीं लाया गया, हड़बड़ी में लाया गया। स्वाभाविक से ये आपाधापी में ही लाया गया। अब देखिएगा इतनी बड़ी प्रस्ताव उन्होंने कानूनी सलाह भी लिया है, इतने जल्दी इस कानूनी सलाह क्या है नहीं है ये तो सरकार ही बता सकता है। जानकारी कि कानूनी सलाह वो लोग दिया है, वो कैबिनेट के संलेख में ही है, मामला ताकि कोर्ट में ना जाए। हाँ, वो वाला के विदिक्षा भी किया गया है या मैंने लॉ डिपार्टमेंट से उन लोग ने किया है इस चीज को लेके। मतलब यूपीए में कोऑर्डिनेशन नहीं, देखिए ये बात कहा जा सकता है कि हर चीज इस प्रकार से चोरी छुप के लाना इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को, ये हम समझते हैं कि राजहित में नहीं है और
महागठबंधन के हित में भी नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।